की साड़ी का कपड़ा, इसका मतलब पिया और आदि यही कही है। ये कैसे हो गया? ये दोनों बच कैसे गए? कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी है। मुन्ना जमीन में धस गए थे, और वो भी गाड़ी के साथ। ये कैसे पॉसिबल है? ये जरूर किसी की साजिश होगी, लेकिन किसकी और कौन हो सकता है? एक ही तो है सारी मुसीबतों की जड़। ये उस मोना का ही काम है। मैं तो कब से कह रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो तो अच्छा हुआ कि अंश सही समय पे पहुंच गया और उसने पिया और मुन्ना को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पिया, क्या हुआ? कुछ बात है? दरअसल माँ, अंश के साथ साथ हमारी मदद किसी और ने भी की थी। वो नहीं होता तो मैं अकेला आदि और पिया को कभी नहीं बचा सकता। वो कौन? Thank you.
हे भगवान, मेरे कानों के साथ साथ मेरी आंखें भी खराब हो गई है क्या? ये करण है मेरा जुड़वा भाई। जुड़वा भाई जुड़वा भाई राम और श्याम, गोपी किशन, सीता और गीता, जुड़वा और जुड़वा टू। ओह माय गॉड, ऐसे ट्विस्ट तो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलते हैं। मिस कुंडली के हिसाब से अंश को अपाहिज होना चाहिए था। प्लीज, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रामा? बेटा ये क्या क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं है कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई है, फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? वो आप ही है ना जिसने बचपन में मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं अपाहिज हूं। ने? हाँ? आप अंश और काजल को तो ले गई थी लेकिन मुझे छोड़ गई थी। नहीं, जिसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने उसी को बेसहारा छोड़ दिया। तू क्या बोल रहा है करण? मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू मां को जानता नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। और जिसने भी तुझे झूठी कहानी बताई है ना, वो तुझसे झूठ बोल रहा है। सही कहा था उसने, इस औरत ने तुम्हारी आंखों पर ममता की ऐसी पट्टी बांधी है कि तुम्हें सच्चाई दिखी नहीं रही। उसने किसने? मैंने